नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आजकल क्या है ना, अभी हमारे सेशन में भी कुछ जलोदर के पेशेंट आ रहे हैं, तो उस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें किस तरह से उनका इलाज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो हम आज ऐसे ही जलोदर के पेशेंट पे डिस्कस करेंगे कि मतलब हम लोग उसको किस तरह से ट्रीटमेंट दें और हमारा रिजल्ट और अच्छा है, क्योंकि जो हम लोग ना अपना ट्रीटमेंट को और अच्छा करने का कोशिश करते हैं तो हम और सफल होते हैं। तो केवल ऐसे घिसा पिटा एक फॉर्मूला यूज करके नहीं करना है। मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ ना उसको एक गाइडलाइन समझ के करिए कि हाँ ऐसा भी करने से ऐसा फायदा हो जाता है। तो मैं अभी आप लोग के स्क्रीन पे एक मिनट लेके आ रहा हूँ। तो जलोदर के जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो आप लोग और वो जलोदर का पेशेंट रहते हैं ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लीवर की पैथोलॉजी लेके आते हैं, वहां पे लीवर की संप्राप्ति रहती है, कोई ना कोई ऐसी रक्त दुष्टि होती है या यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से आते हैं। तो हमें वही सब पे डिस्कस करना है और जो आप लोगों को काम आएगा। एक मिनट में अपने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ जो आप लोगों को काम आएगा। आप लोग अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग ना कुछ वृद्ध वैद्य लोगों का अनुभव देखते हैं। जलोदर के एक ना पेशेंट आए थे, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। तो 55 इयर्स के एक पुरुष रुग्ण थे, तो उनके पेट में जल संचिति थी, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। कल या परसों डॉक्टर आदित्य सर भी एक पेशेंट को लाए थे कि एसाइटिस हो गया था, तो उत्तर प्रदेश में जल संचिति हो गई थी और जो एब्डोमिनल गर्थ है वो 74 सेंटीमीटर था और इनको उभय पाद शोथ मतलब दोनों पैरों में स्वेलिंग था। श्रमजन्य श्वास, थोड़ा भी काम करें सीढ़ी चढ़े तो उनको सांस फूलता था, और रस क्षय के लक्षण थे जैसे कि निस्तेज चेहरा था, त्वचा में रुक्षता था, अग्निमंदता, कुरलास था, भूख न लगना, रुगाह सर्वेपि मंदाग्नो, जब ऐसा बोला जाता है तो अग्निमंद तो सबसे पहले यहाँ पर हेतु रहते हैं। बाकी लोग म्यूट करिए नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, यहाँ बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अगर करेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पे टॉलरेट करूंगा, नहीं करूंगा, रिमूव कर दिया कर दूंगा ठीक है। तो ना यहाँ पे अग्निमंदता और हुरलास मतलब वहां पे भूख न लगना और अग्निमंद है, भूख नहीं लग रही है, रोगा सर्वेपी मंदाग्नो जो बोलते हैं, और मल संचिति बहुत ज्यादा रहती है उधर के रोगी में, तो हुरलास भी हो रहा था क्योंकि कुछ खाया पिया पच नहीं रहा था। इनका प्रकृति जो था वो पित्त और वात का था और सहनन था वो मध्यम था। अब ऐसे जो एसाइटिस के पेशेंट आते हैं तो हम लोग ना इनका जो चिकित्सा देखते हैं अपने संहिता ग्रंथों में तो क्या बोला जाता है, उद्रहितु विरेचने और यकृत पे काम करने वाला हम लोग चिकित्सा देते हैं। तो इनको पहले हिस्ट्री टेकिंग किया गया, केस टेकिंग, तो पता चला कि इनको एक साल पहले कामला हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, और
पहले उसके पहले पूछा गया तो मंद ज्वर था, मंद मंद ज्वर होने के बाद हुरलास और दिन में एक बार उल्टी उल्टी होना, छर्दी होना, ये लक्षण निर्माण हो गया, और अग्निमान्यता और उदर वेदना हुआ, और फिर उसके बाद में इनको कामला हुआ, बिलिरुबिन का जो वैल्यू है वो बढ़ते गया, और मूत्र प्रवृत्ति जो था वह नॉर्मल था लेकिन बिलिरुबिन बढ़ रहा था, उसके बाद में नख में नेत्र में पीलापन आने लगा पूरा, बिलिरुबिन का प्रमाण और बढ़ गया, और शरीर जो है वो क्रुश हो गया, और पेट में बहुत हैवीनेस लगने लगा, जिस तरह से आपके फिगर यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऐसा पेट मोटा मोटा होते गया, जैसे कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वहां जल संचित हो रहा था। फिर उन्होंने सोनोग्राफी किया तो पता चला कि पेट में पानी है। अब ऐसा जब ये हुआ तो व्याधि विनिश्चय क्या हो गया, एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस क्या हो गया कि ये जलोदर व्याधि है। तो जब ये वैद्य जी के पास है, ये मुंबई के बहुत बड़े वैद्य हैं और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, तो इनका जब देखा गया तो जलोदर है, तो जलोदर में आरोग्य वर्धिनी वटी 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार दिया गया, 250 मिलीग्राम की एक एक गोली दिन में 3 बार। महालक्ष्मी विलास रस, नॉर्मल लक्ष्मी विलास नहीं, महालक्ष्मी विलास रस 125 mg का दो सुबह शाम दिया गया। पुनर्नवादी मंडूर दिया गया 250 मिलीग्राम को सुबह और शाम। पुनर्नवाष्टक क्वाथ दिया गया, ये क्वाथ है तो 60 ml, 60 ml सुबह 60 ml शाम को, और इनको केवल और केवल गोदुग्ध पे रखा गया, और ये 1.5 लीटर गाय का दूध पीते थे। साथ में दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, ये ध्यान में रखते हुए दिन भर में 1 लीटर गोमूत्र दिया गया। चिकित्सा शुरू किया गया तो क्या हुआ कि 5 दिन के बाद फिर चेक किया गया तो जो एब्डोमिनल गर्थ था, पेट का जो घेर था, वो 74 सेंटीमीटर से 71 हो गया, मतलब विरेचन से इतना फायदा हुआ। यकृत पे काम करने वाली आरोग्यवर्धिनी वटी, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, महालक्ष्मी विलास रस, ये सब जब दिया गया, और गोमूत्र 1 लीटर दिन भर में पीना है और 1.5 लीटर गाय का दूध पीना है। फिर इसके बाद विरेचन होने के बाद फिर क्या किया गया कि दूध पापेश्वर कंपनी का महावाद विध्वंसक रस दिया गया, और जिसमें जयपाल है, और फिर विरेचन दिया गया, और रोज रात को एक गोली। लेकिन ये मुझे कंफ्यूजन है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर महावाद विध्वंसक रस में जयपाल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने लिखा है असल में इच्छा विधि रस होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इससे क्या हुआ कि जब इच्छा विधि रस दिया गया जिसमें जयपाल है, तो इनको 7 से 8 बार द्रवमल प्रवृत्ति होती थी, और खाने में गाय का दूध जो था वो और बढ़ाया गया, 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक गाय का दूध दिया गया। पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया, पानी नहीं पीना है, जो पीना है दूध पीना है। और फिर हर हफ्ते देखा गया तो हर हफ्ते 2.5 से 3 सेंटीमीटर, 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक एब्डोमिनल गर्थ कम होते गया। उसके बाद में जब विरेचन हो रहा था तो वो वात वृद्धियों की वहां पे जल संचित फिर ना हो जाए, इसलिए पेट पे उदर पट्ट बंधन बांधा गया। फिर 3-4 महीने बाद देखा गया तो 3-4 महीने के लिए ऐसा प्रोटोकॉल रखा गया, पहले तो शुरुआत में 1 महीना दिया गया कंटिन्यू विरेचन, बाद में प्रोटोकॉल ऐसा रखा गया कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही विरेचन देंगे, और विरेचन देंगे तो किससे, तो हम लोग इच्छा विधि रस से देंगे। ये जो किताब है ना इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। फिर ना क्या किया गया, आहार में अब विरेचन हो गया, पेट का जो घेर था पूरा एब्डोमिनल गर्थ वो नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद में क्या किया गया कि अब उनको पेया देंगे, विलेपी देंगे, और जो गीला चावल होता है भात ओदन वो देने का शुरू किया गया। तो उसमें पेया में नमक नहीं डालना है, विलेपी भी देना है, या फिर जो मंड और चावल जो देते हैं, जो गीला चावल टाइप देते हैं, तो उसमें भी नमक नहीं डालना है। फिर धीरे धीरे क्रमशः आहार में वृद्धि की गई, फिर उसके बाद में काला मनुका को चबा चबा के जो उसका अंदर का पल्प है वो फेंक देना है, और चबा चबा के उसको मनुका खाना है। फिर खजूर को चूस चूस के खाना है। फिर उसके बाद में बीट बीट रूट जो रहता है, गाजर, फिर जो चपाती होती है, फिर सब्जियां, चावल, ये सब शुरू किया गया धीरे धीरे क्रमशः अग्नि जैसे जैसे बढ़ते गया। तो फिर पानी 1 से 2 गिलास दिन भर में पीना है, ये तीसरे और चौथा महीना में दिया गया। और जो खील होता है, जो चावल से खील बनता है जो हम दिवाली में खाते हैं, वह खाने के लिए दिया गया। फिर चिकित्सा शुरू करने के बाद फिर लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, तो ऐसा पता चला कि मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से जब पेशेंट पहले आए थे तो मॉडरेट एसाइटिस था,
फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद किया गया तो स्मॉल लिवर विथ ब्राइट इकोजेनिक पैरेन्काइमा ड्यू टू अर्ली चेंजेस ऑफ सिरोसिस, ऐसा किया गया। फिर उसके बाद में फिर चेक किया गया तो एब्सेंस ऑफ एसाइटिस हो गया। फिर 2 महीने बाद चेक किया गया तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड एग्जाम ऑफ एब्डोमेन, नॉर्मल हो गया सारा चीज। फिर उसके बाद में बीच में एक और चेक किया गया था तो जो पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस ऑफ लिवर ऐसा जो था। तो ये जब आरोग्यवर्धिनी वटी, पुनर्नवामंडू, पुनर्नवाष्टकवात, महालक्ष्मी विलास रस और गोदुग्ध, गोमूत्र, ये जो दिया गया ट्रीटमेंट, इससे पेशेंट इतना ठीक हो गया कि पूरा तरह से सिरोसिस जो था वो रिवर्सिबल हो गया। दूसरा क्या है कि पहले जो बाइल जो था, बाइल सॉल्ट थे 8 to 10 mg था, तो वो 3 4 महीने बाद चेक किया गया तो वो नॉर्मल हो गया, बिलिरुबिन नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद में एसजीओटी एसजीपीटी, जो पहले सितंबर 92 में 340 और एसजीपीटी 699 था, वो जब जनवरी में कराया गया 3 4 महीने बाद, तो 32 और 38 आ गया, मतलब नॉर्मल रेंज में आ गया, और डायरेक्ट बिलिरुबिन भी नॉर्मल रेंज में आ गया। ये सारा रिपोर्ट और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ये लेक्चर होने के बाद आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा, मतलब सॉरी ग्रुप में दिखेगा। फिर इसका विवेचन क्या किया गया, मतलब ये तो पेशेंट ठीक हो गए और आप लोग भी अभी जैसे आदित्य सर के पास पेशेंट आए थे कल, वराइसेस भी था, असाइटिस भी था और पोर्टल हाइपरटेंशन भी था। तो ये जब हम पढ़ते हैं ना केस स्टडी बड़े लोगों का, जो वृद्ध वैद्यों का, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हाँ हमें भी ऐसे करना है। इसमें उदर में प्राणवायु, समान वायु और अपान वायु की दुष्टि दिख रही थी तो उसको मैनेज किया गया, प्राणवायु, समान वायु और अपान वायु। रोगी को पूरी तरह से गोमूत्र और गोदुग्ध पे रखना रखा गया। आजकल गोमूत्र पिलाया नहीं जाता है, लेकिन आयुर्वेद में बोला है कि गोमूत्र पे रखना चाहिए। और गोदुग्ध में फैट कम होता है, भैंस के दूध में फैट ज्यादा रहता है, और गोदुग्ध है वो जन्मतः साथ में होता है ऐसा बोला जाता है, और गोमूत्र में क्षार का प्रमाण ज्यादा होता है। और इसीलिए क्या होता है कि जो उदर में जो संचित जल है वो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से कोष्ठ में सारा चीज आ जाता है, और जो हम विरेचन की द्रव्य देते हैं या गोमूत्र या दूध, ये खुद भी विरेचन करता है, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, ऐसे बार बार चरकाचार्य जी ने कहा। और हम ऊपर से जब हम देते हैं इच्छावेदी जैसी गोलियां देते हैं तो और अच्छा विरेचन होता है। तो उससे क्या होता है कि पूरा पेट में जो पानी है, जैसे आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, वो पूरा निकल जाता है। और यहाँ पे यकृत पे काम करने वाली जो दवाइयां दी गई, आरोग्यवर्धिनी वटी, पुनर्नवादि मंडोर, फिर पुनर्नवाष्टकवात, महालक्ष्मी विलास रस, ये बहुत बढ़िया काम किया। फिर जलोदर में रोगी का बल बहुत क्षीण हो गया था तो हृदय को बल देने के लिए महालक्ष्मी विलास दिया गया। महालक्ष्मी विलास का यहाँ पे रोल बहुत बढ़िया है क्योंकि हृदय को हमें बल देना है। जहां पर भी लीवर का पैथोलॉजी रहता है वहां पे हृदय भी कमजोर हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हृदय जो है वो रसव स्त्रोतस का मूल स्थान है और यकृत प्लीहा जो है वो रक्तव स्त्रोतस का मूल स्थान है। तो जब जलोदर होता है तो हार्ट का प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ट को जबरदस्ती इतना पंप करना पड़ता है और पेट में पानी है, पानी भी पच नहीं रहा है। पुनर्नवाष्टक क्वाथ जो है उसके बारे में क्या बताया गया है ग्रंथों में कि पुनर्नवाभ्या निम्ब दार्वी रतिकता पटोलक ही गुडुची नागर युक्त ही क्वाथो गोमूत्र संयुक्ता, मतलब इसमें पुनर्नवा है, हरितकी है, नीम है, दारुहृद्रा, कुटकी, पटोल, गुडुची और शुंठ, इसके 40 ग्राम यवकुट चुन लिया गया और 4 कप पानी में भिगो के रखना है। भिगो के रखने के बाद इसको बॉयल करना है, 4 कप पानी को बॉयल करते करते 1 कप रहना चाहिए, मतलब 1/4 रहना चाहिए, वह पीना है। और ऐसे फिर सुबह रखना है और शाम को बॉयल करके पीना है। जितना भिगो के रखेंगे मैक्सिमम टाइम उतना उसका सत्व वो काढ़े में आएगा। और गोमूत्र के बदले में गोमूत्र क्षार को भी प्रयोग कर सकते हैं, तो गोमूत्र क्षार मार्केट में मिलता है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच क्षार डाल के गोमूत्र क्षार को मिक्स करके और वो पी ले, उससे अच्छा फायदा होता है। और विरेचन के लिए यहाँ देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक पहले था, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे बोला है कि इच्छाविधि रस दिया गया या कभी कभी नाराच रस दिया गया, और कभी कभी इसमें निशोत्तर, पुनर्नवा, सोनामुखी, कुटकी, हरित की, फिर अरिष्टक या शिकाकाई और शुंठी और कड़ु इंद्रावण जो इंद्रायण मूल रहता है वो दिया गया, और 2 तोला औषध का काढ़ा करके उसमें तालिम खाना क्षार और स्नेही क्षार डाल के दिया गया। तो इससे 20 से 30 बार रेचन होता है। अभी काउंट कैसे करना है कि वॉशरूम में गए पेशेंट, वहां पे जाने के बाद जो वेग आते हैं उसको काउंट करना है, यानी कि 20 30 बार वॉशरूम में जा रहे हैं वो नहीं, वहां पे वेग एक बार जाने पर 5 6 वेग तो आते ही है, ऐसे काउंट किया गया तो 20 से 30 बार रेचन होता है।
फिर से मैं बताता हूँ, इच्छा विधि रस या नाराज रस या निशोत्तर पुनर्वा सोनामुखी कुटकी हरिद्की शिका कई सुंठी और कड़ु इंद्रावन। इसका काढ़ा बनाना है 2.5 तोला तक, और इसमें तालिम खाना का क्षार और सुनहरी क्षार डाल के देना है। ये पीने के लिए देना है तो 20 से 30 विरेचन होता है। उसके बाद में रसायन, सब पेशेंट ठीक हो गया पूरा हमारा, यकृत को बल देना है तो रसायन देना जरूरी है कि वो फिर से सेरोसिस में ना जाए, रिवर्सिबल ना हो, तो इसलिए वर्धमान पिपली का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बोला है कि अष्टो महागध में जलोदर या व्याधि रुग्ण को अगर हम लोगों ने अच्छे से बता दिया, और पेशेंट हमारा बिशक वश्यता होना चाहिए, मतलब जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो अगर फॉलो करता है तो वो 100% ठीक हो जाता है और हमें यश मिलता है, चिकित्सा जो रहते हैं वो यशस्वी बनाती है और वैद्यों में विश्वास निर्माण होता है। आप लोगों के अभी मालूम होगा कि डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम के ससुर जी को भी जलोदर हो गया था, मॉडरेट असाइटिस था, तो उन्होंने एकदम अच्छे से उनको मैनेज किया, अभी वो खाना पीने खाने लगे और पूरा ठीक हो गए। परसों के दिन आदित्य सर भी एक पेशेंट को लाए थे, तो उनका पोर्टल हाइपरटेंशन था, फिर वराइसेस था और वो पूरा पेट में पानी जमा था। तो इसीलिए ना ये जो हम केस पेपर सब डिस्कस करते हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारी चिकित्सा को और अच्छा बनाता है। मैं आप लोगों को पीडीएफ बाद में शेयर कर दूंगा, अभी आप लोग कुछ बोलिए अगर कुछ बोलना चाहते तो, मैं 1 मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, किसी का कोई एक्सपीरियंस है? अखिलेश तिवारी जी, आपने ऐसे प्रणाम पेशेंट देखे? हाँ मैम बोलिए। जी सर। सर आपने बोला था इसमें प्राण समान और अपान की दृष्टि बोला था सर, प्राण वायु की इसमें दृष्टि हाँ, कैसे क्योंकि होती वो पेशेंट को श्रमजन्य श्वास, यकृत तो श्वास ही ऐसे बोले ना, मतलब श्वास जहां पर लग रहा है वहां पे कहीं ना कहीं यकृत की दृष्टि होती है, तो श्वास लग रहा है मतलब प्राण वायु की भी दृष्टि है, समान वायु की भी दृष्टि है, समान वायु तो है ही, कॉमन कॉमन होता है, अग्नि के पास रहता है, और अपान वायु की दृष्टि तो है ही यहाँ पे, तो क्योंकि सर अपान को मतलब ये अंग में। इफेक्ट है कि कॉज है सर, जो जो बोल रहे हैं कि उसकी वजह से श्वास चढ़ा है तो वो तो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट है, तो हुआ ना, इसमें वो कॉज हेतु थोड़ा होगा। ये कॉज नहीं बोला गया, इसमें बोला गया है कि उसको मैनेज करना है, उसको संभाल के रखना है, हमें प्राण को, समान को और अपान को बैलेंस करना है। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ सर, लिवर सिरोसिस का पेशेंट सर एसाइटिस में ना जाए जलोदर में, तो इसके लिए क्या हम प्रिवेंटिव दे सकते हैं सर आयुर्वेद में? तो उनका खान पान हेतु बंद करें, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्तनम, मेडिसिन क्या दे सकते हैं सर प्रिवेंशन के लिए? प्रिवेंशन के लिए आप पेशेंट को हमेशा अग्नि को अच्छा रखने का करिए, जैसे कि आसावरीश दे सकते हैं हम लोग, अभी जैसे आता है प्रचार एडवर्टाइजमेंट की झंडू पंचारिश दें, और एक्सरसाइज करे, दिनचर्या अच्छा रखे, और ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, जब बोला है ब्राह्म्य मुहूर्त में उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ठीक ही रहेंगे ना। अगर मेडिसिन लेके करना है तो आप फिर पूरा दीपन पाचन अनुलोमन रसायन परपटिकल्प ये सबसे कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर सर। मांस पाचक गण तो देना ही पड़ेगा ना सर, मांस पाचक गण सिरोसिस को रिवर्स करने के लिए। हाँ, लेकिन वो मांस पाचक भी है, वो चूर्ण है, तो अगर हमने स्टार्टिंग में दे दिया तो वो भी पचता नहीं है, अग्नि मंद करता है। इसमें हमें कोई भी ऐसे हर्बल मेडिसिन भी नहीं देना है जो अग्नि को मंद करे, इसलिए हम ज्यादातर मतलब जल्दी ठीक करने के लिए हम लोग रसकल्प करते हैं या स्वर्ण कल्पों का प्रयोग करते हैं या लौह कल्पों का, मतलब हर्बल का उतना जल्दी नहीं करते हैं। सर आरोग्यवर्धन दे सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि वो रसकल्प है, रसकल्प का और गामित्व ज्यादा अच्छा होता है, सर सुवर्ण वाली वसन भी दे सकते हैं अगर दौर्बल्य है सर स्वर्ण पेशेंट का? कल्प भी गामित्व के हिसाब से सही है, आपका बात सही है यस सर, सुवर्ण वाली वसन। ओके सर, जी। कंटिन्यू दे सकते हैं सर हम, हाँ दे सकते एक हैं, महीना हो स्वर्ण गया। मालिनी वसंत के बारे में ऐसा बताया है कि यह इसमें दर्द होता है, तो यह 1 लाख पेशेंट में एक को नुकसान देता है, कि मतलब किसी को नाक से खून आने लगेगा, लेकिन ये ज्यादातर खरपर का कल्प नुकसान नहीं करता है, सर्व रोगे वसंता ऐसे बोला है। ओके सर, थैंक यू सर। और स्वर्ण मालिनी वसंत का ये सबसे अच्छा गुणधर्म है कि वो हर धातुअग्नि भूताग्नि को प्रदीप्त करके बल बढ़ाता है। अब यहाँ पे पेशेंट असाइटिस के आते हैं तो उनका मांस क्षय कितना होता है, सब धातुओं का क्षय हो गया होता है पूरा, तो स्वर्ण मालिनी वसंत सबसे अच्छा रहता है। सर अगर पेशेंट में वैरायसिस हो तो सोन वाली वसन नहीं दे सकते हैं सर फिर? किसमें किसमें अभी वो नाक से खून आता है बोला सर आपने अभी। मैंने वो नहीं बोला, हाँ रक्त पित्त में भी देते हैं, लेकिन
वो खरपर का साइड इफेक्ट 1 लाख में से एक एक लाख पेशेंट में को एक ही पेशेंट को होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। नहीं होता है। यस मैंने अपने 23 साल के प्रैक्टिस में स्वर्णमाली वसंत का आज तक कभी सर, साइड इफेक्ट नहीं देखा है। नहीं ऑलरेडी जिसमें वराइसेस है सर उसमें दे सकते हैं क्या? वराइसेस में भी दे सकते हैं, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। उसका फायदा नहीं, उसका नुकसान नहीं होता। बस किसका होता है, जिसमें जैसे विष द्रव्य, जैसे कल हम बात कर रहे थे सुशेखर रस, जिसमें धतूरा के बीज का व्योष उन्मत बीजम च, जो ऐसे बोला है श्लोक में, उसका साइड इफेक्ट, और ज्यादा मात्रा में दिया तो साइड इफेक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। सुशेखर का साइड इफेक्ट यही है कि सर ज्यादा इसमें मात्रा में नहीं कुमार लेना। यासो भी अच्छा है ना, बोला है सर कुमार कुमार यासो, यासो अच्छा है ना, यकृत को उत्तेजना देता है, भेदन कार्य करता है, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट में नहीं दे सकते ना सर? नहीं दे सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ जी बोलिए मैम। प्रणाम सर। प्रणाम। हम आपका अभी कॉलेज में क्या पढ़ाया गया, नेक्स्ट सेशन में आप बताने वाली है, क्योंकि तो रश्मि में हमने कल हमें बताया था बहुत कुछ, आप कल जी सर अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएगा। हाँ अभी जी। आप बोलिए। सर यहाँ पे हम लघु सूत्र शेखर का यूज कर सकते हैं? हाँ क्योंकि उसमें गैरिक होता है ना, तो जहां पानी पानी है वहां पे हम मिट्टी डालेंगे तो पानी ऑब्जर्व करता है। जहां पर भी और पित्त जन्य संप्राप्ति है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, वहां पे लघु सूत्र शेखर अच्छा काम करता है। सर महाकुष्ठघ्न कषाय, कषाय पचेगा क्या? कषाय पचेगा क्या? मतलब महाकुष्ठघ्न कषाय क्यों, क्या सोच के? हाँ कुष्ठ जैसे आप हमेशा बोलते वो तो मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में बोलता हूँ, जलोदर में कुष्ठ का क्या संप्राप्ति है? कंचन में हमको खांसी आ रही है। अखिलेश तिवारी जी आप बोलिए कुछ। जी सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया सर टॉपिक है आज का, बहुत कॉमन हो गया है आज के डेट में, क्योंकि लोग खान पान पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सेडेंट्री लाइफ है, और ज्यादा खान पान के कारण लीवर का पेशेंट बहुत हम लोग के पास में आता है। एक दो जो हमारा स्वानुभव है वो हम बताते हैं सर। ये काल मेघ का हम मदर टिंचर रखते थे, आयुर्वेद का तो ऐसा मुझे नहीं लगा जल्दी इफेक्ट के लिए, तो काल मेघ का जो मदर टिंचर है वो हम 10-10 बूंद हर 3 घंटे 4 घंटे पे रिपीट करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें ये जो विरेचन के लिए हम जो विरेचन कराते हैं उसमें इच्छा वेदी रस को पूरा पाउडर कर देते हैं, और उसमें थोड़ा सा मिश्री का, धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला करके सुबह में देते हैं उसको, तो विरेचन बढ़िया से होता है। एक यकृति पिलहारी रोग का देखे हैं सर कि उसमें क्या है, मूसन बहुत बार जाना पड़ता है रोज, तो इरिटेशन हो जाता है पेशेंट को। और ऐसे भी आसवरिष्ट अगर हम उसको पूरा देते हैं उसी पे शिफ्ट करते हैं तो विरेचन होता ही है, बढ़िया विरेचन होता है। और जी सर एक तपन सर का लेक्चर सुन रहे थे और जी हमारे पास एक पेशेंट आया था, फैटी लेवर उसका ग्रेड 3 था, तो उसमें हम यूज किए, बहुत बढ़िया रिजल्ट था उस पेशेंट को, अच्छा हुआ। उसमें हम हिमालय का जो हाँ 52 DS आता है उसको वर्धमान मात्रा में दिए थे, वर्धमान मतलब 4 से शुरू किए थे, रोज दो दो बढ़ा रहे थे और 25 टैबलेट तक लेकर गए थे और फिर बैक आए थे, तो मतलब कि 15-11 दिन ऐसा किए, मतलब 8 दिन किए थे, 2 दिन स्टेबल रखे फिर बैक आए, तो उसके बाद कराया तो नॉर्मल आ गया था। लिप 52 सिर्फ DS दिए थे वर्धमान मात्रा में। अनु बेटा और दूसरा क्या है सर क्या कि ये जो दिया जलो था सर? लिप 52 DS वर्धमान मात्रा में दिए थे BD डोज में, उसको बढ़ते हुए 4 से, क्योंकि पेशेंट का बल देख करके, अगर पेशेंट एडल्ट है और वेट वगैरह बढ़िया है उसका, तो उसके हिसाब से वो बढ़िया था, मतलब 35 साल का था, तो उसको 4 से हम शुरू किए और लास्ट 25 टैबलेट तक लेकर गए थे, 25 सुबह 25 शाम में देते थे, फिर बैक आ गया। इतना बढ़िया रिजल्ट हमने देखा उसका सिर्फ सिंगल टैबलेट उसी से कि वो उसका जो फैटी लिवर था वो रिवर्स हो गया। हमको लगता है कि 20 से 25 डेज के बीच में ही वो फिर से दोबारा करवाए थे तो नॉर्मल हो गया। एसाइटिस के लिए तो सर विरेचन बहुत ही बढ़िया रहता है, और मेरा जो पर्सनल अनुभव है
उसमें इच्छा वेदी रस ही आज तक जितने पेशेंट को दिए हैं और बढ़िया विरेचन होता है। लेकिन उसमें सर पहले मुझे ये चीज को हम रूल आउट नहीं कर पाते थे, आपके ही लेक्चर सुनकर थोड़ा सा घृत पान अगर करा दिए तो क्रैम्पिंग बिल्कुल नहीं होता है पेशेंट को, और हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा वो जलन करता है इसके लिए उसको मिश्री मिक्स कर देते हैं, मिश्री के पाउडर में ही उसको बढ़िया से घोट देते हैं, फिर लेने के लिए देते हैं, तो कोई भी पेशेंट जलन वगैरह का शिकायत नहीं देता है और जुलाब भी बढ़िया, मतलब हम देखे हैं कि आज तक हर पेशेंट को 20 से 30 बेर आ ही जाता है, नॉर्मली आता है और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, उसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो है सर। और एक यही है कि हम कालमेघ हर पेशेंट को जो भी आता है जलोदर का हो या लीवर का कोई भी पैथोलॉजी लेके आता है उसको हम एड ऑन करते हैं। अभी तो इसका मतलब सत्व आ गया है 300 mg में रहता है, तो अब वो मदर टिंचर नहीं देते, यही देते हैं, लेकिन मदर टिंचर का प्रयोग बहुत हम किए हैं पेशेंट में और उसका भी अच्छा रिजल्ट है। जी सर, थैंक यू सर सर। मदर टिंचर सर काल में एक सत्व इसका कैसे देते हैं सर? काल में का मदर टिंचर आता है तो वो 10-10 बूंद हर 4-4 घंटे पे रिपीट करते, थोड़ा सा पानी में, 1 घोट पानी में उसको डाल कर, कितने पानी में? 1 घोट पानी लेना है, मतलब आधा कप पानी में 10 बूंद डालना है और उसको लेना है। और ये काल में सर सत्व सर जी जी बोलिए। काल में एक सत्व कैसे रहते हैं? हाँ, काल मेघ का मदर टिंचर देते हैं। अब मदर टिंचर अब तो टेबलेट कई कंपनियां बना रही है, घनबट्टी के रूप में आता है, तो अच्छा अच्छा वही अच्छा ओके जैसे ओके सर थैंक यू पेशेंट है उसके अनुसार सर। देते हैं। इसका अब टिंचर उसकी कैसे जी सर सर इसका इसका सर टिंचर कैसे बनाते हैं सर? बनाता तो नहीं हुआ, बनाने के लिए तो इसी प्लेटफॉर्म पे एक सूक्ष्मीकरण करके बनाया गया था, तो मैं कोशिश भी किया बनाने का लेकिन शायद पूरा हम उस सक्सेस नहीं हुए। तो अवेलेबल हो जाता है सर, होम्योपैथ दुकान पे तो मिल जाएगी आपको, तो अच्छा मैं वहीं होम्योपैथ से वाली यूज कर जी 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 जी। मैं बनाने का कोशिश कितने किया था पोटेंसी एक में बार। जी सर सर कितने कितने पोटेंसी में देते सर काल में? पेशेंट के बल के अनुसार हर 4-10 बूंद देते हैं, जैसा पेशेंट की स्थिति है उसके अनुसार, और एक मतलब 1 घूंट पानी, आधा कप अप्रोक्स पानी रहता है उसमें ही डाल। हर लीवर के पेशेंट को काल में को मेरा रहता है, मतलब एक मेडिसिन रहेगा ही, काल में घासव डाले या काल में का घनबट्टी डालेंगे या फिर मदर टिंचर, लीवर का कोई भी पैथोलॉजी लेके आता है तो काल में मेरा मतलब ड्रग चॉइस है, बहुत अच्छा तो रिजल्ट है। आपने LIV-52DS दिया है सर लीवर सिरोसिस में? अभी ये जी फैटी जी लीवर मैं में बब हाँ वो फैटी लीवर में मैं दिया हूँ, ग्रेट थर्ड था लीवर उनका। सिरोसिस में, लीवर सिरोसिस में नहीं, लीवर सिरोसिस का पेशेंट नहीं थे, उनका फैटी लीवर ग्रेट थर्ड था और 20 से 25 दिन में उनका नॉर्मल हो गया था, और लेना था नींबू पानी के साथ, लेमन पानी के साथ लेना था, जैसे 1 नींबू पानी 1 कप में निचोड़ देना है, और उसको 4 टबलेट से शुरू किए थे, रोज दो दो बढ़ा रहे थे वो, फिर बढ़ने के बाद फिर उसको डाउन में आ जाना है कम करते हुए। और एक बात और है सर, शास्त्र में तो हमारा बताया है कि दूध पे ही रखना है, लेकिन हम यूजली लीवर के पेशेंट को खास करके रखते हैं मौसमी के जूस वगैरह पर, इसका भी रिजल्ट हमने देखा है बढ़िया है। मौसमी का जूस पे अन्न तो बिल्कुल बंद करा देते हैं और मौसमी के जूस में ही शिफ्ट करते हैं, तो उसमें भी बढ़िया रिजल्ट आता है सर। जी सर जी। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, आगे के जो सेशन होगा उसमें आप लोग कंटिन्यू जी बात करिएगा, वो क्लिनिकल सेशन ही होगा, ठीक है? आज मेरे सर का बर्थडे था ना, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया थोड़ा, इसलिए मैं लेट शुरू किया, ठीक है? तो अभी हम लोग 8:15 पे मिलेंगे, तब हम बात करेंगे अच्छे से। थैंक यू, जी प्रणाम सर सभी लोगों को, थैंक जी सर यू। प्रणाम सर। पाठक सर, पाठक सर, हाँ बोलिए सर। सर क्या सर आ सर का बर्थडे अभी सुना नेक्स्ट दीजिए उसमें सर। मिलते हैं ना सर, 8:15 में बात करते हैं ना, ठीक सर, ठीक, ठीक है? ओके थैंक यू सर। प्रणाम।